हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनडीए 2019 मैथ्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। मेरे हाथ में एनडीए 2 का मैथ्स पेपर है और हम इसका क्वेश्चन का अकॉर्डिंग सॉल्यूशन आज डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है, इफ़ बोथ पी क्यू बिलोंग्स टू द सेट 1, 2, 3, 4, पी क्यू दो नंबर है, दैट बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4, हाउ मेनी इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो विल हैव रियल रूट्स। इसका मतलब जो इक्वेशन दिया है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन इज जीरो, इसका रूट्स रियल होना चाहिए, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, डी दैट इज क्यू स्क्वायर माइनस पी फोर पी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्यू स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू फोर पी। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि पी क्यू का कितने पेयर में बना सकता हूँ, जो 1, 2, 3, 4 सेट में पी क्यू का वैल्यू होगा तो उनका कितना मैं पेयर बना सकता हूँ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पी क्यू जो पेयर होगा वो क्या होना चाहिए, 1, 2 होगा, क्योंकि 4p होगा 4, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 इक्वल्स टू 4, ठीक है, बराबर है। 1, 3 होगा, ऐसे 1, 4 होगा और 2, 3 होगा, 2, 4 होगा, 3, 4 होगा, 4, 4 होगा। तो हमारा पास ऐसे 7 पेयर बनेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन सी होगा राइट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 101 टर्म, इसका सम कितना होगा। तो मुझे यहाँ से मालूम क्या हुआ, हर पेयर का सम जो है दैट इज -1 है। तो 100 तक 50 पेयर्स आएगा जिनका सम होगा -50 प्लस आखिरी टर्म होगा 101, दोनों को जोड़ने में होगा 51। तो इस केस में ऑप्शन ए मेरा होगा राइट ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें ए बी सी तीन सेट्स दिया गया है और इसमें ऑप्शन दिया है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए बोलता है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी दैट इज ए यूनियन बी। ऑप्शन बी दिया है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी दैट इज ए। ऑप्शन सी दिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दैट इज ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ऑप्शन डी दिया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इन चारों में से कौन सा करेक्ट नहीं है ये देखना है। अच्छा, ये तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, दोनों सेम है, दोनों सही बताया है। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी दैट इज ए, अगर मैं इसके पास चलता हूँ, ए जो है ए यूनियन बी का सबसेट है तो इंटरसेक्शन तो ए होगा, ये भी सही बोला। तो नेचुरली कौन गलत है, ये गलत होगा। तो ऑप्शन ए जब गलत है तो इसका लॉजिक एक बार देख लेते हैं। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होगा, जब ए इंटरसेक्शन बी इसका सबसेट होता है तो ए यूनियन इसका वैल्यू क्या होगा, बड़ा वाला सेट ए होना चाहिए, तो यहाँ पे ए होना चाहिए, यहाँ पे दिया गया है ए यूनियन बी, तो मेरा क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट है ये मेरा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए मेरा होगा राइट ऑप्शन, ये मेरा इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए सीरीज इज एन प्लस 12, मतलब एस एन दिया है एन प्लस 12, व्हाट इज द थर्ड टर्म, तीसरा टर्म पूछ रहा है। अच्छा, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर एन ए टर्म में फाइंड करता हूँ तो मैं लिखता हूँ एस एन माइनस एस एन माइनस वन,
ये जनरली एन ए टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है। मेरे पास एस एन दिया है तो टी थ्री को मैं लिख सकता हूँ एस थ्री माइनस एस टू, तो एस थ्री का वैल्यू कितना होगा, अगर एन के जगह थ्री पुट करूँगा तो ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन, माइनस एस टू का वैल्यू कितना होगा, ट्वेल्व प्लस टू दैट इज फोर्टीन, तो वैल्यू मेरा आएगा वन। तो इसका ऑप्शन ए मेरा होगा राइट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स के माइनस टू इंटू एक्स माइनस के प्लस वन दैट इज जीरो इज मिनिमम। तो इसका जो रूट्स आएंगे, रूट्स का स्क्वायर का सम मिनिमम होना चाहिए और उस केस में मुझे के का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैंने मान लिया कि सपोज अल्फा बीटा रूट्स है, तो नेचुरली अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, के माइनस टू होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, दैट इज माइनस के प्लस वन अपन टू। तो मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम दिखाना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू है दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और मैं इसको लिख सकता हूँ के माइनस टू का स्क्वायर प्लस के प्लस वन। इसको ओपन करूँगा तो के स्क्वायर माइनस थ्री के प्लस फाइव। तो ये मिनिमम मतलब ये मिनिमम, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब मिनिमम होगा, तो हमारा पास ट्रिक क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मिनिमम होगा जब ए ग्रेटर दैन जीरो हो, और कब मिनिमम होगा, जब ए का वैल्यू माइनस बी बाई टू ए हो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये मिनिमम होगा व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपन टू दैट इज थ्री अपन टू। तो यहाँ पे के का वैल्यू थ्री अपन टू आ जाएगा, यहाँ पे मिनिमम है। तो ऑप्शन मेरा होगा सी ऑप्शन, राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज जीरो आर इक्वल, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल है, तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैंने यहाँ पे देखा कि इनका जो कोएफिशिएंट है, इनको अगर मैं जोड़ता हूँ a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी, इसका वैल्यू जीरो होता है। इसका मतलब x का वैल्यू वन एक रूट होगा, और अदर रूट क्या होगा, c इंटू ए माइनस बी अपन a इंटू बी माइनस सी। हम लोग इससे पहले जितना वीडियो डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में, तो इस केस में मुझे मालूम हो गया जब दोनों रूट्स बराबर होंगे तो मैं लिख सकता हूँ c इंटू ए माइनस बी अपन ए इंटू बी माइनस सी दैट इज वन। इसका मतलब ए सी माइनस बी सी दैट इज ए बी माइनस ए सी, तो मैं लिख सकता हूँ टू ए सी दैट इज बी इंटू ए प्लस सी। इसका मतलब टू ए सी अपन ए प्लस सी दैट इज बी। इसका मतलब ए बी सी जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आएंगे, तो इसमें मेरा ऑप्शन सी होगा राइट ऑप्शन। मैंने यहाँ पे जो ट्रिक्स यूज किया है वो ट्रिक्स क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर जीरो होता है तो इफ ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा देन एक्स का वैल्यू वन एक रूट है एंड एक्स इज सी अपन ए अदर रूट। मैंने यही ट्रिक्स यहाँ पे यूज किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ग्रेटर दैन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। अच्छा, मुझे यहाँ से मालूम क्या, यहाँ पे जो क्वांटिटी लिखा गया है ये दोनों सेम क्वांटिटी है, और कॉन्सेप्ट क्या था, मॉड एक्स एक्स से कब बड़ा होगा, जब एक्स लेस देन जीरो हो, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से मुझे मालूम क्या हो गया
कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू दैट शुड बी लेस देन जीरो, और इसको मैं लिखूंगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू लेस देन जीरो, और वे भी कर में चलेंगे तो वन टू मार्किंग पॉइंट है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो वन और टू के बीच में ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो एक्स का वैल्यू है तो वन लेस देन एक्स लेस देन टू होगा, तो ऑप्शन सी मेरा होगा राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ 200 टर्म्स, इफ द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ जीपी इज एम एंड सम ऑफ इवेंट टर्म्स ऑफ जीपी इज एन, देन व्हाट इज इट्स कॉमन रेशियो। तो सम ऑफ इवेंट टर्म्स, जो जीपी है हमारा, जीपी को मान लो ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर फोर्थ, ऐसा जीपी का टर्म्स है, तो सम ऑफ इवेंट टर्म्स अपन सम ऑफ ऑड टर्म्स, इसका वैल्यू क्या होगा, दैट इज एन अपन एम। तो इवेंट टर्म्स को मैं लिखूंगा ए प्लस सॉरी ए आर प्लस ए आर क्यूब ऐसे, अपन ऑड टर्म्स को लिखूंगा ए प्लस ए आर स्क्वायर ऐसे, इनका वैल्यू एन अपन एम है। ऊपर में से ए आर कॉमन लूंगा तो वन प्लस आर स्क्वायर, नीचे ए कॉमन लूंगा तो वन प्लस आर स्क्वायर ऐसे, दोनों में ए कैंसिल हो गया, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, एन बाई एम आएगा, तो रेशियो का वैल्यू होगा एन अपन एम, तो इसका ऑप्शन बी मेरा होगा राइट ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए सेट ए कंटेन्स थ्री एलिमेंट्स, सेट ए में थ्री एलिमेंट एंड अनदर सेट बी कंटेन्स सिक्स एलिमेंट्स, इसमें सिक्स एलिमेंट्स है, देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट ए यूनियन बी कैन हैव। तो ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, मुझे पता है कि ए यूनियन बी ये होता है ए प्लस बी, अच्छा ये मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, इसका वैल्यू कब होगा, जब थ्री के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब मैं लिखूंगा थ्री प्लस सिक्स माइनस थ्री, तो जब इसका वैल्यू सिक्स होगा तो मिनिमम वैल्यू मुझे मिल जाएगा, तो ऑप्शन बी मेरा होगा राइट ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन ऑक्टागन, ऑक्टागन में नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा, एट, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होगा, हमारा पास ट्रिक क्या होता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स जो है दैट इज एन सी टू माइनस एन, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ऑक्टागन दैट इज एट सी टू माइनस एट, एट सी टू इज एट इंटू सेवन अपन वन इंटू टू माइनस एट, दैट इज 28 माइनस 8 दैट इज 20, तो ऑप्शन डी इज आवर राइट ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट दिया है 1 फैक्टोरियल, कॉलम वाइज में चलता हूँ 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो 1 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, 2 फैक्टोरियल के लिए 2, 6, 2 6 24, 6 24 120, और इसका डिटर्मिनेंट तुम एक्सपेंशन करोगे रो वाइज या कॉलम वाइज, तो इसका वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, 24 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी मेरा होगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सैटिस्फाई द इक्वेशन एक्स 0 टू 2 एक्स 2 1 1 1 1, इसका डिटर्मिनेंट प्लस 3 एक्स 0 टू एक्स स्क्वायर
2 1 0 1 1 दैट इज जीरो। इसमें इस इक्वेशन में मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसमें हमारा पास क्या होगा, जब इसको एक्सपेंड करेंगे इसमें जीरो है तो मुझे बेटर है फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करना, तो x इंटू 2 माइनस 1 दैट इज x, 2 इंटू 2x माइनस 4 दैट इज 4x माइनस 4 प्लस इसको एक्सपेंड करूँगा तो 3x इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 3x, जीरो के अकॉर्डिंग तो हट गया जीरो हो जाएगा, 2 के अकॉर्डिंग 2 इंटू x स्क्वायर दैट इज जीरो, और इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x माइनस 4 इज जीरो, या मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इज जीरो, या x का वैल्यू श्रीधराचार्य मेथड में हम सॉल्व कर सकते हैं, तो दैट इज माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 8 अपन 2, इसका मतलब s का जो वैल्यू आएगा दैट इज माइनस 2 प्लस माइनस रूट 6। तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा क्या होगा, ऑप्शन डी मेरा होगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी जीरो, तो मुझे डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना होगा, एक्स प्लस ए बी एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस सी, इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो x प्लस ए का वैल्यू क्या होगा, पुट करेंगे तो माइनस बी माइनस सी, ये बी सी ए ए, एक्स प्लस बी का वैल्यू होगा माइनस ए माइनस सी, एंड x प्लस सी का वैल्यू होगा माइनस ए माइनस बी। अच्छा, इसमें अगर मैं क्या करूँगा, कॉलम वन रिप्लेस्ड बाय कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री, कॉलम वन के जगह तीनों कॉलम को ऐड करके लिखूँगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगा, दोनों इसके साथ जुड़ेगा तो जीरो, ये दोनों इसके साथ जुड़ेगा तो जीरो, ये जीरो, बी सी माइनस ए माइनस सी, बी माइनस ए माइनस बी सी, और पूरे डिटर्मिनेंट में अगर एक रो या कॉलम जीरो हो जाता है तो इसका आंसर आएगा जीरो, तो ऑप्शन ए मेरा होगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मैट्रिक्स ए दैट इज 1 माइनस 1 माइनस 1 1, देन द एक्सप्रेशन ए क्यू माइनस 2 ए स्क्वायर इज व्हाट, नल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इक्वल टू ए या इक्वल टू माइनस ए, इनमें से कौन सा होगा। तो ट्रिक्स मैंने बताया था, अगर एक 2x2 मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज जीरो होता है। तो इस ट्रिक हम यहाँ पे यूज करते हैं, जब यूज करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए कितना होगा 2 2 ए हो गया, ट्रेस ए इंटू ए, डिटर्मिनेंट ए कितना होगा 1 माइनस 1 दैट इज जीरो, तो लिखना जरूरत नहीं तो ये जीरो हो गया, और दोनों साइड में अगर एक मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करूँगा ए क्यू माइनस 2 ए स्क्वायर दैट इज जीरो मैट्रिक्स, तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एंड एन व्हेयर एम लेस देन एन बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 39 इज इक्वल टू जीरो, तो एम लेस देन एन है, एम एन रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 39 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से मुझे मालूम हुआ सम ऑफ रूट्स जो होंगे दैट इज 16 है, इतना क्लियर। इफ फोर टर्म्स पी क्यू आर एस आर इंसर्टेड बिटवीन एम एंड एन, तो एम और एन के बीच में पी क्यू आर एस चार टर्म्स इंसर्ट किया गया है और ये एपी में है, इसका मतलब जब ये एपी में होंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में दिया है ये सीरीज मेरा एपी में है,
तो इसके अकॉर्डिंग m प्लस एन का जो वैल्यू होगा, p प्लस एस का वैल्यू वही होगा, q प्लस आर का वैल्यू वही होगा। तो मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है, p प्लस q प्लस आर प्लस एस दैट इज टू टाइम्स m प्लस एन हो जाएगा, 2 × 16 दैट इज 32। तो ऑप्शन सी मेरा होगा राइट ऑप्शन। क्लियर बेटा, नोट करो।